एक गांव में राम बाबू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत सुस्त और कामचोर था। उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। उसकी बीवी उसे बहुत समझाती थी, पर वो अपने बीवी का एक भी नहीं सुनता था। एक बार घर में खाना लाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। वो गांव के किसी आदमी के पास जाता और यहाँ वहाँ की बातें करके उसे पैसे कर्ज लेके आता है। अपने गांव के लोगों से काफी कर्जा लिया हुआ था। गांव के लोग इकट्ठे होकर एक दिन उसके घर पे आए और झगड़ा करने लगे। राम बाबू ये सब देखकर परेशान हो गया। वे परेशानी के हालत में घर से दूर चला जाता है और ऐसे ही खाली हाथ घर वापस आ जाता है। अरे सुनो जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे। पूरे गांव से आपने कर्जा ले रखा है और खुद भी पूरा दिन घर से बाहर निकल जाते हैं। गांव वालों को भला जवाब दे देकर मैं तो थक गई हूँ। कल वो अपने साथ में पुलिस को लेकर आने वाले हैं। घर में ही रुककर अब उनका जवाब देना। उस दिन पूरी रात राम बाबू को नींद ही नहीं आई। कल सुबह मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा? राम बाबू परेशानी की हालत में घर से दोबारा बाहर निकलकर पास वाले गांव में चलते हुए एक कुएं के पास आ जाता है। उसने कुएं में कूदकर जान देने का सोचा, तब भी एक कुएं से चुड़ैल बाहर निकली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? यहाँ क्यों आए हो? फिर राम बाबू ने अपनी दुख भरी कहानी उसको सुनाया। मैं कैसा आदमी हूँ इसका मुझे पता नहीं। मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मत रोको। ये बोलकर राम बाबू अपनी जान देने के लिए कुएं के पास जाता है। मैं भी मरना चाहती थी और फिर मैं इस कुएं में कूदी, तो अब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ। इसलिए तुम मेरी कहानी सुनकर वापस घर चले जाओ। अगर मैं आज नहीं मरूंगा तो कल कर्जदार आकर मुझे मार डालेंगे। उसकी बात सुनकर चुड़ैल कुएं के अंदर जाती है और कुएं से सोने की लकड़ी लेकर बाहर आती है। तुम ये लकड़ी ले जाओ और अपने कर्ज उतार दो। फिर राम बाबू वह सोने की लकड़ी अपने घर लाता है और अपने बीवी को सारी बातें बताता है।